दोस्तों, अगर आप भी देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने की इच्छा रखते हैं तो आपने खान सर के बारे में जरूर सुना होगा। इनका YouTube पर खान GS रिसर्च सेंटर नाम से एक चैनल है, जिस पर अब तक तकरीबन 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी सबसे खास बात इनकी टीचिंग और किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का तरीका है। ये टीचिंग करते समय बीच बीच में अपनी भोजपुरी लैंग्वेज का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उससे उनके व्यूअर्स को पढ़ने में और टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी होती है, जिस वजह से ज़्यादा लोग इनकी वीडियोस को देखने आते हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल लगने वाली थ्योरी को भी इतनी सरलता के साथ समझाते हैं कि पढ़ने वाले को लगता ही नहीं कि वो कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक के बारे में जान रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खान सर को उनके चाहने वाले लोग भारत के दूसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से तक पुकारते हैं। अब दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार कौन है ये खान सर और कैसे इन्होंने अपने चैनल की शुरुआत करी, किस तरह इन्होंने ये मुकाम हासिल करा। ज़रा हमें भी बताओ इनकी सफलता के पीछे की कहानी। तो इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खान सर की ज़िंदगी की पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल करा। जिन्हें हम खान सर के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम तो अब तक इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करा है, और जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपको अगर कुछ सीखना है तो मेरी कहानी से सीखिए, मेरी मेहनत से सीखिए, मेरे नाम में भला क्या रखा है। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुआ था। ये बाकी आम लोगों की तरह ही एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, बल्कि इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, और इसीलिए इन्हें अपनी पढ़ाई और दूसरे कामों को पूरा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शुरू में गरीबी देखने के कारण ही शायद इनके अंदर मेहनत करने की आदत भी आ गई थी, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि इतना आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती जितना आपको आपके हालात सिखा सकते हैं। खान सर बिना किसी शक के हमारे देश के कुछ सबसे एजुकेटेड और स्मार्ट लोगों में से एक हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई किसी बड़े स्कूल या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं, बल्कि अपने ही गाँव के पास के एक सरकारी स्कूल से पूरी करी थी। स्कूल के शुरुआती सालों में खान सर ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, और इस बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया कि वो एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे और उनका कभी भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। हालांकि उनकी माँ की डांट का असर उन पर ज़रूर हुआ था, क्योंकि फिर 9th क्लास के बाद से वो काफ़ी समझदार और होशियार स्टूडेंट बन गए थे। इसी समय से उन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री को ध्यान और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। वो ये भी बताते हैं कि 9वीं क्लास में उन्हें पढ़ाई की तरफ जो एहसास हुआ था, वही एहसास उन्हें आज तक पढ़ाई की तरफ रुझाए रखे हुआ है। 10वीं से लेकर 12वीं तक वो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए, जिसके चलते उनके घर वाले भी अब बहुत खुश थे। उनके पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। कुछ समय बाद उनके पिता रिटायर हो जाते हैं, वहीं उनके बड़े भाई की सेना में भर्ती हो जाती है। इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि उनकी पूरी फैमिली को अपने देश के प्रति कितना लगाव रहा है। खुद खान सर का भी जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना था कि उन्हें बड़े होकर एक आर्मी ऑफिसर बनना है, इसीलिए वो दिन रात पढ़ाई करने लगे। खास बात यह है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उन्हें जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, वो सभी सब्जेक्ट्स उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे, और इसी वजह से उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट बड़ी ही आसानी से समझ आ जाता था। इतनी पढ़ाई करने के बाद जब उन्होंने फाइनली NDA का एग्ज़ाम दिया तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ पास तो ज़रूर हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और इसके पीछे वजह थी उनकी फिटनेस। दरअसल उनके हाथों के एंगल्स के चलते उन्हें फिटनेस राउंड से बाहर कर दिया गया। ये जानकारी जब खान सर को मिली तो वो काफ़ी दुखी हुए। ये वो वक्त था जब इतने मेहनती व्यक्ति ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में सभी उम्मीदें खोसी दी थी। उन्होंने खुद को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हाथों में जो दिक्कत थी वो उसको ठीक भी नहीं कर सकते थे। इस कंडीशन का कोई इलाज ना होने के कारण वो काफ़ी टूट गए थे। ये वक्त इनके लिए पर्सनली बहुत मुश्किल था, और इस समय पर उनका पढ़ाई की तरफ भी इंटरेस्ट खत्म होने लगा था। वो अपने जीवन में बचपन से ही एक आर्मी ऑफिसर बनने का सपना देखते हुए आए थे, और उन्होंने अपने हर जीवित सेकंड को इसी काम की तरफ डेडिकेट भी करा था। लेकिन जब किस्मत इस मोड़ पर आकर अटकी तो उन्हें कोई क्लू नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। पर फिर उनके माता पिता ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तुम इंडियन आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम अभी भी देश की सेवा कई तरीकों से कर सकते हो। बहुत समझाने के बाद खान सर काफ़ी मोटिवेट हुए और उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ कमबैक करने का फैसला करा। तब से उनका एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करनी है। अपने माता पिता के समझाने पर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखी, और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc और MSc में अपनी पढ़ाई पूरी करी।
हालांकि इससे पहले भी उन्होंने AI ट्रिपल ई की पूरी तैयारी कर रखी थी, पर एग्जाम के दिन शायद फिर भाग्य ने इनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जिस दिन एग्जाम था उस दिन ये पूरे दिन सोए रहे और एग्जाम का वक्त निकल गया। पर दोस्तों, भले ही वो दिन उनके लिए इतना अच्छा ना रहा हो, पर आज के समय उसी दिन के कारण लाखों बच्चों का भविष्य बन रहा है, क्योंकि अगर उस दिन खान सर परीक्षा के लिए उठ गए होते तो शायद आज हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते और इनका ज्ञान भंडार हमारे नसीब में नहीं होता। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब वो BSc की पढ़ाई कर रहे थे तो 3 बार जेल भी जा चुके थे। दरअसल जब वो कॉलेज में थे तो स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे, स्टूडेंट्स के हित में लड़ते हुए उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। जिंदगी की कठिनाइयों से रूबरू हुए तो एहसास हुआ कि किस किस तरह हमारा समाज पॉलिटिक्स के कारण बदतर होता जा रहा है और गरीब बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ तक कि कई बच्चे तो बाल मजदूरी कर अपने घर को चला रहे हैं। ये सब उन्हें हजम नहीं हुआ और उन्होंने तय करा कि वो किसी बड़ी जॉब को करने के बजाय गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, जिससे गरीब घर के बच्चे भी आगे जाकर कुछ बन सके और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। पर दोस्तों, इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि खान सर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी सेविंग्स और बाकी जगहों से इंतजाम कर पैसों को इकट्ठा करा और पटना में अपना एक कोचिंग सेंटर खोल दिया, जहां वो बच्चों को पढ़ाने लगे। पर अभी भी उनके जीवन में वो लहर नहीं आई थी जिसने इनका जीवन बदल दिया है, क्योंकि शुरुआत में उनके कोचिंग सेंटर में बहुत कम बच्चे पढ़ने आते थे। उस समय खान सर की कम्युनिकेशन और टीचिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी थी और इसी से उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाने का एक नया तरीका खोजा। वो अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश या प्योर हिंदी में सिखाने की जगह पूरी भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करने लगे, जिससे बच्चे बोर ना होकर पढ़ाई पर पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें और उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाएं। खान सर की टीचिंग का यह तरीका धीरे धीरे रंग लाने लगा था और बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करने लगे थे। इसी वजह से उनके कोचिंग सेंटर में समय के साथ स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ने लग गई थी। फिर एक समय ऐसा आया कि रूम में बैठने के लिए स्टूडेंट्स को जगह तक कम पड़ने लगी। फिर कुछ महीनों के बाद खान सर ने एक बड़ा सा हॉल खरीद लिया, जिसमें करीब 2000 स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर खान सर का लेक्चर सुन सकते थे। धीरे धीरे उनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होती जा रही थी और साथ ही खान सर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जा रहा था। फिर जब ये हॉल भी बच्चों के लिए कम पड़ने लगा तो खान सर को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि बाकी बच्चे उनकी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे। और फिर वो समय आया जिसने खान सर की ही नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं का फ्यूचर बदल दिया। खान सर ने सोचा कि ऑफलाइन सिखाने के बजाय वो ऑनलाइन सिखाकर भी तो बच्चों तक अपनी नॉलेज पहुंचा सकते हैं, जिससे कि ना ही किसी को उनका लेक्चर खड़े होकर सुनना पड़ेगा और ना ही किसी को दूर चलकर उनके कोचिंग सेंटर तक आने की ज़रूरत होगी। उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लास अपने यूट्यूब चैनल खान GS रिसर्च सेंटर पर शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में YouTube पर लोग इनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जो भी इनके पढ़ाने के तरीके को एक बार देख लेता बस वो इनका फैन हो जाता था। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बिहार के अलावा पूरे देश में फैलने लगी। इनके YouTube चैनल के पॉपुलर होने का कारण ये है कि ये अपने हर वीडियो के अंत में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर उसका हल भी बताते हैं। यही वजह है कि इनकी कई वीडियोस बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर शेयर करते दिखाई देते हैं। यूं तो खान सर कई कॉन्ट्रोवर्सीज का भी हिस्सा बने, पर उनके साफ चरित्र ने हर बार हर कॉन्ट्रोवर्सी से पार पाई। समय के साथ खान सर ने भी अपने सिखाने के तरीके को इम्प्रूव किया और देखते ही देखते उनके चैनल पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स पूरे होने लगे। हर स्टूडेंट की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होने लगा, खान सर। आज के समय इनके चैनल पर 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी हर वीडियो पर 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। इसी के साथ ये यूट्यूब के जाने माने सितारों में से एक बन गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि खान सर ने कितने कम समय में कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको खान सर की कहानी पर बनी हुई ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।